मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी जो है फ्रूटी बनाने जा रही हूँ। ये ऐसी फ्रूटी है कि बच्चे जो है मार्केट की फ्रूटी भूल जाएंगे बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये दो बड़े पके आम चाहिए और एक हमें कच्चा आम चाहिए। रेशियो फ्रेंड्स यही रखना है कि दो बड़े पके आम और एक कच्चा आम। तो बड़े पके आम का पल्प हम अलग निकाल लेंगे छील के, और छोटे पल्प का कच्चे आम का जो है पल्प हम अलग कर लेंगे। और उसके साथ हमें चाहिए चीनी। फ्रूटी के लिए ये देखिए हमने पल्प पके आम का ब्लेंड कर लिया है, यहाँ हमने कच्चे आम का ब्लेंड कर दिया है, और ये हमारा शुगर है। तो ये आप रेशियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रूटी के लिए जो कच्चा आम लिया है उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि पका आम अगर हम सिर्फ यूज़ करेंगे तो ये बहुत मीठा रहता है, और जब एक कच्चा आम भी हमने इस रेशियो में ले लिया है तो उसमें क्या है थोड़ा खटमिट्टा सा टेस्ट, जैसे कि एकदम बाजार वाली फ्रूटी का आता है। तो अब हम इन्हें पकाएंगे। फ्रूटी को पकाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर मीडियम फ्लेम करके एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, फिर हम उसमें पके हुए आम का जो पल्प ब्लेंड किया था वो डालेंगे। उसके बाद हम ये कच्चे आम का पल्प डालेंगे और हम इसमें 1 कप तक पानी डाल देंगे। पानी वैसे हालांकि हमें और ज्यादा भी डालना है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पकने के हिसाब से ही पानी डालेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पका लिया है, अच्छे से ये उबल गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे और वापस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। शुगर ऐड किए हुए हमें करीब 1 मिनट हो चुके हैं, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें एक पिंच जो है ये फूड कलर हम ऑरेंज डाल रहे हैं ताकि फ्रूटी का अच्छा सा कलर आ सके। फ्रेंड्स ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज नहीं। तो वापस अब हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये फ्रूटी हमारी बिल्कुल पक चुकी है और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल रियल फ्रूटी जैसा। कुछ इसमें आपको ये फाइबर्स दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे पकना ही था। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। चूंकि कढ़ाई हमारी थोड़ी छोटी है तो इसको हम एक बड़े पैन में पलट लेंगे। ये चूंकि थिक लग रहा है तो हमें फ्रूटी बहुत पतली बनानी होती है, तो इसमें हम आधा से 1 लीटर पानी अभी आराम से डाल सकते हैं। ये हमने इसमें अराउंड 1 लीटर पानी ऐड किया, ये देखिए आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी। अब इन्हें ठंडा होने के बाद हम छान लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे किसी कांच के कंटेनर में रख लेंगे। फ्रूटी को हमने छान लिया है, ये देखिए काफी पतला सा और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका हुआ है, और ये ओरिजिनल फ्रूटी से भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। इसे हम आसानी से फ्रिज में स्टोर करके हफ्ते से 10 दिनों तक रख सकते हैं। चूंकि ये होममेड है तो इसमें कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव और कुछ भी हमने ऐसा ऐड नहीं किया हुआ है, तो ये हेल्दी भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स टॉप राइट में आप आई बटन देख रहे होंगे, उसको क्लिक करके आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।